एवरीबडी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड वन सब्जेक्ट जीके चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नेम। क्लास नेम मतलब होता है हर चीज़ों की अलग अलग कैटेगरी होती है, उसे हम कहते हैं क्लास नेम। कैटेगरीज मीन्स जैसे कि फ्लावर्स है तो हम फ्लावर्स को फ्लावर्स कहेंगे, कलर्स को कलर्स कहेंगे। तो अगर हम बोलेंगे कि आप डिवाइड करो फ्लावर्स में, अलग अलग फ्लावर को अलग अलग जगहों पे रख देंगे, उनको फ्लावर की कॉलम में रखो, तो वो क्या कहलाएगी, आपका क्लास नेम कहलाएगा, है ना। हर चीज़ों को उनके क्लास के वाइज से रखना क्लास नेम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑल द आइटम्स इन ईच कलेक्शन आर ऑफ द सेम क्लास। क्या करना है, जो कलेक्शन आपने किया हुआ है उसको आपके उनके सेम क्लास के अनुसार रखना है। चूज द करेक्ट क्लास नेम, चूज करना है करेक्ट क्लास नेम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट द अगेंस्ट इच सेट। और उनका फिर क्या करना है, सेट आपको रेडी करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमको रेडी करना है। यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है फ्रूट, फर्नीचर, फेस्टिवल फ्लावर, है ना, चीज़, व्हीकल, सॉरी सिटीज, व्हीकल्स, गेम्स, रिवर, वेजिटेबल्स, कलर, शेप्स, बर्ड, ट्री, ट्वाय, एनिमल्स। तो इन चीज़ों के सभी के क्या हैं, अपने अपने नेम दिए गए हैं, उनको हमको क्या करना है, डिवाइड करके यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन 1, बाइसिकल, बस, मोटर कार, एरोप्लेन। ओके, बाइसिकल, बस, मोटर कार, एरोप्लेन, तो ये सारी किसकी कैटेगरी में आते, व्हीकल्स। ये क्या कहलाते हैं, व्हीकल्स मतलब यातायात के साधन, जो हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह हमको आसानी से लेकर जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्हीकल्स। सेकंड, रोज, चंपा, मोगरा, लोटस, ये सभी किसके नाम है, फ्लावर्स के। तो ये किसकी क्लास में आएंगे, फ्लावर्स की क्लास में आएंगे। अगर इसकी जगह आप और भी फ्लावर्स जैसे कि मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, लिली है, जैस्मिन है ना, ये और भी फ्लावर्स है, वो सब भी हम किसके नेम्स में लिखेंगे, फ्लावर्स नेम में लिखेंगे। ओनियन, ब्रिंजल, टोमेटो, कैबेज, ये क्या है, किसकी क्लास में आएंगे, वेजिटेबल्स की, क्योंकि ये सारे क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। अब इसकी जगह हम पोटैटो, है ना, कैप्सिकम, कैलीफ्लावर और भी अदर जो वेजिटेबल्स हैं उनके हम नाम लिखते हैं, तो वो भी किस में आएंगे, वेजिटेबल क्लास में आएंगे। ओके, मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें क्या है, फ्रूट है, तो इनका क्लास क्या होगा, फ्रूट्स होगा। क्या होगा इनका क्लास, फ्रूट्स होगा। तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, इसकी जगह और भी फ्रूट्स हैं जैसे कि ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, चीकू है, चेरी, ये सब किस में आएंगे, फ्रूट्स नेम में ही आएंगे। क्रो, पिकॉक, स्पैरो, पैरो, ये सब क्या है, बर्ड्स है, क्या है, बर्ड्स है, तो ये सभी किसकी कैटेगरी में आएंगे, बर्ड्स की। क्या आप एनिमल में इनके नाम लिख सकते हो क्या, नहीं, तो हम इसकी क्लास क्या लिखेंगे, बर्ड्स, क्या लिखेंगे, बर्ड्स। आगे देखते हैं, टाइगर, लायन, मंकी, एलिफेंट, तो ये सारे क्या है, एनिमल्स है, इनको हम क्या बर्ड की कैटेगरी में या वेजिटेबल की कैटेगरी में या क्लास में हम रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एनिमल्स है, है ना, तो इनको हम किसकी क्लास में रखेंगे, एनिमल्स की क्लास में। नीम, कोकोनट, आसोपाल, बनियान ट्री, ये सारे क्या हैं, ट्री हैं, इनको हम प्लांट कह सकते हैं क्या, नहीं, ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बिग होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्री कहा जाता है, और इनको हम कौन सी क्लास में रखेंगे, ट्री की क्लास में। खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सारे क्या हैं, हमारे गेम्स के नाम हैं, तो इन गेम्स के नाम को हम कौन से क्लास में रखेंगे, गेम्स में। इनको और कोई नाम से हम मतलब इनको फेस्टिवल या सेक्स नेम या फर्नीचर की क्लास में रख सकते हैं क्या, नहीं। क्रिसमस, दिवाली, होली और ईद, तो क्रिसमस, होली, दिवाली, ईद क्या है,
आपका त्यौहार है, आपका फेस्टिवल है, तो इनको क्या हम और व्हीकल्स या ट्री नेम में रख सकते हैं क्या? नहीं, हम केवल इनको क्या कहेंगे, फेस्टिवल के क्लास में रखेंगे। ओके, डॉल, बैट, ट्राईसाइकल, टेडी बियर, ये सारे क्या है, खिलौनों के नाम है। तो ये किसके ग्रुप में आएंगे? ट्वाइस में। किसके ग्रुप में आएंगे? ट्वाइस में। और इनको कोई भी और ऑप्शन में रख सकते हो क्या? नहीं। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये क्या है आपके कलर्स नेम, क्या है आपके कलर्स नेम। तो इनको हम कौन सी क्लास में रखेंगे? कलर्स की क्लास में रखते हैं। सर्कल, स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल, ये किसके नाम है? शेप्स के नाम है। तो इनको हम क्या रखेंगे? शेप्स की क्लास में रखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? जो वर्ड, जो नेम आपको दिया गया है ग्रुप में, वो कौन सी क्लास में रखा जाएगा? आप जब स्कूल आते हो तो आपको टीचर कहते हैं, हाँ इस नंबर की क्लास में 10th के बच्चे बैठेंगे, इस नंबर की क्लास में 11th के बच्चे बैठेंगे, तो वैसे ही आप जाके क्लास में बैठते हो ना। वैसे ही फ्रूट का अलग क्लास है, वेजिटेबल का अलग क्लास है, कलर्स का, फेस्टिवल का, गेम्स का, ट्री का, एनिमल्स, बर्ड, इन सभी के अलग अलग क्लासेस हैं। यहाँ तक हो गया आपका, सर्कल, स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल शेप्स में आएंगे। टेबल, डेस्क, चेयर, स्टूल, ये क्या है हमारे फर्नीचर है, तो ये कौन सी क्लास में आएंगे? फर्नीचर की क्लास में आएंगे। द गंगा, द साबरमती, द नर्मदा, द कावेरी, ये हमारे देश के जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके नाम हैं। तो ये कौन सी ग्रुप में आप कहेंगे? रिवर्स, आप इसको क्लास नेम, ग्रुप ये भी कह सकते हो। ओके, मुंबई, न्यू दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये सब किसके नाम है? सिटीज नेम। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? सारे सिटीज के नेम है, इसलिए कौन सी क्लास में आएंगे? सिटीज की क्लास में आएंगे। यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया है, चैप्टर 9 देखिए कंप्लीट कर दिया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। बाइसिकल, बस, मोटर कार, एरोप्लेन, व्हीकल्स की क्लास में। रोज, चंपा, मोगरा, लोटस, फ्लावर की क्लास में। ओनियन, रिजल, टोमेटो, कैबेज, वेजिटेबल की क्लास में। मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, फ्रूट की क्लास। क्रो, पेकॉक, स्पैरो, पैरोट, बर्ड की क्लास में। टाइगर, लायन, मंकी, एलिफेंट, एनिमल्स की क्लास में। नीम, कोकोनट, आसोपाल, बनियान ट्री, ट्री की क्लास में। खोखो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गेम्स, क्रिसमस, दिवाली, होली, ईद, फेस्टिवल की क्लास में। डॉल, बैट, ट्राईसाइकल, टेडी बियर, टॉयस, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, कलर्स, सर्कल, स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल, सेट्स, टेबल, डेस्क, चेयर, स्टूल, फर्नीचर, द गंगा, द साबरमती, द नर्मदा, द कावेरी, रिवर्स की क्लास में, और मुंबई, न्यू दिल्ली, आगरा, जयपुर सिटी की क्लास में। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। आपको आपकी नोटबुक में भी इसको राइट डाउन करना है ताकि आपको स्पेलिंग लर्न हो। ओके, तो आपका चैप्टर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।